हल्द्वानी काठ गोदाम हेड़ाखान मार्ग पिछले एक महीने से बंद है, लिहाजा 120 गांव का संपर्क कटा हुआ है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य आज भूस्खलन से बंद क्षेत्र में पहुंचे। यहां उन्होंने सांकेतिक उपवास रखा। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और स्थानीय लोग भी धरना स्थल पर पहुंचे और जल्द से जल्द काठ गोदाम हेड़ाखान सिमलिया बैंड मोटर मार्ग को खोलने की मांग करने लगी। इसी बीच मजे की बात तो ये हो रही है कि वहां से गुजर रही एक बारात का दूल्हा भी कांग्रेस के धरने को समर्थन देने पहुंच गया और सड़क मार्ग बंद होने से पैदल जा रही बारात का दूल्हा भी जल्द से जल्द जो है सड़क खोले जाने की मांग करने लगा। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि इस सड़क का निर्माण कांग्रेस कार्यकाल में ही हुआ और यहाँ की जनता का दुर्भाग्य है कि एक महीने से भूस्खलन की वजह से मार्ग बंद है। 120 गांव के सामने स्वास्थ्य एवं खाद्यान्न का संकट आ गया है। गांव से मंडी तक जाने वाली सब्जियां और फल सड़ रहे हैं और सरकार सो रही है। उन्होंने कहा कि आखिर सरकार वैकल्पिक मार्ग बनाने में नाकाम रही है। अगर जल्द से जल्द इस मार्ग को नहीं खोला गया तो ग्रामीणों के साथ मिलकर कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। काठधाम हेड़ाखान सान्नी सिविलिया बैंड जिसका निर्माण कांग्रेस सरकार में किया गया था, स्वीकृत हुई और निर्माण कार्य पूर्ण हुआ, लेकिन दुर्भाग्य है आज इस क्षेत्र की महान जनता का, जिससे इस सड़क मार्ग से लगभग 90 गांव जुड़े हुए हैं और माध्यम यही मार्ग है। ये तो सड़क तो बहुत काफी टाइम से टूटी है मगर ये बहुत टाइम से बनी नहीं है। हाँ। तो इसमें क्या कर सकते हैं, पैदल यात्रा करनी पड़ेगी सभी को। अच्छा। बस कोटाबाग से पथुली जाना है।